Hi guys, welcome to my channel, the Fusion YouTuber. I'm Diya Chawla, and in today's video, you're gonna see a review of a gel liner by Purple, जिसकी outer packaging है कुछ इस तरह की, जिसपे purple and pink gradients का color है. This is the outer cardboard packaging. यहाँ पे इनका full name लिखा हुआ है, इसके अंदर product आता है, side पे इनके यहाँ पे पूरी detail दी हुई है, manufacturing, expiry date, MRP, quantity and everything. इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्लैक, एंड इस ये रिटेल करता है 399 रुपीज़ का, जिसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 3 ग्राम्स की, और इसकी एक्सपायरी है 2 साल तक. ओके, सो अगर अभी बात करें मेन प्रोडक्ट की, तो मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है. यहाँ पे गोल्डन से इनका पर्पल लिखा हुआ है और उसका पूरा नाम लिखा हुआ है, वी जेल ओवर ड्रामा जेल आईलाइनर ब्लैक शेड. और यहाँ पर ये वाला इसका है ब्रश, जो कि बिल्कुल ऐसे खींच के निकलता है. ये थोड़ा डर्टी हो रखा है, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया है. एंड इसके बाद इसको यहाँ से खोलने पे आपको इस टब सी फॉर्म में मिल जाएगा आपका जेल लाइनर. इसके टेक्सचर या फॉर्मूला की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. एंड अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो ओ माई गॉड, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लैक, जेट ब्लैक डार्क है, मतलब जेट ब्लैक से भी थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा. आई विल स्वॉच इट फॉर यू. मैं कम लेती हूँ, हमेशा प्रोडक्ट में कम लेती हूँ, बिकॉज यू कैन सी कितना अच्छा ब्लैक, डार्केस्ट जेट ब्लैक कलर है ये. सो द कंपनी purple.com क्लेम्स दैट ये जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड सुपर पिगमेंटेड है, विच इज़ ट्रू. सुपर पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है, सुबह लगा लो रात तक कहीं नहीं जाता, जब तक आप इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नारियल तेल के साथ नहीं निकालते या मेकअप रिमूवर के साथ नहीं निकालते, तब तक ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है. एंड द थिंग इज़ ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट, येस इट डजेंट ट्रांसफ़र. इस लाइनर का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और इसका जो ब्रश है वो भी काफ़ी अच्छा है, प्रिसाइज है. उससे आप थिन एंड थिक दोनों तरह के लाइनर्स बड़े आराम से लगा सकते हो, और बड़े आराम से लग भी जाते हैं. मैंने इसको सिर्फ इसी के ब्रश के साथ यूज़ किया है अभी तक, मैंने अपना कोई ब्रश यूज़ नहीं किया लाइनर वाला स्पेसिफिकली, तो आई कैन टेल कि उसके साथ कैसा लगता है कैसा नहीं. इसके साथ बहुत अच्छा से लग जाता है. एंड अभी मुझे 30 या 40 सेकेंड्स ही हुए हैं, एंड मेरा जो जेल लाइनर है वो मैट में बिल्कुल ही ट्रांसफ़र हो चुका है, मतलब मैट हो चुका है प्रॉपरली. मैट तो ये हो चुका है, बट अभी इसको ड्राई होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे, देन ये जाके अपना स्मज प्रूफ हो जाएगा. अगर आपने इसको एक बार लगा लिया सुबह में अच्छे से एंड प्रॉपरली इसको ड्राई अप होने दिया, देन ये उसके बाद कहीं भी नहीं जाता है, मतलब काफ़ी देर तक आपकी आइज़ पे इसका पिगमेंट रहता है, काफ़ी देर तक जैसे आप इंटैक्ट रहता है, आपका लाइनर इंटैक्ट रहता है. नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, मेरे को जेल लाइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने मेबलिन का जेल लाइनर भी यूज़ किया हुआ है, बट दिस इज़ बेटर देन मेबलिन एज़ कम्पेयरटिव टू स्मूथनेस. वो थोड़ा बहुत जल्दी ड्राई अप होने वाला प्रोडक्ट है, उसको जब हम स्टार्टिंग में न्यू प्रोडक्ट लेके भी अपनी आइस पे लगाते हैं तब भी वो इतना स्मूथ नहीं होता जितना ये स्मूथ है. इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मेबलिन वाले जेल लाइनर के मुकाबले में, एंड पिगमेंट बहुत अच्छा है, उसका पिगमेंट भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, पर इसका थोड़ा मुझे बेटर लगा उस वाले से, मेबलिन वाले से. आजकल इसको मैं डेली यूज़ कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल अगर मुझे वीडियो नहीं भी बनानी है मैं तब भी इसको यूज़ करती हूँ, लगा के रखती हूँ. और अगर मुझे वीडियोस बनानी है, मेकअप वीडियो या कैसी भी वीडियो करके, या तैयार होना है रिव्यू वीडियो के लिए भी, देन तब भी मैं इसको लगाती हूँ, बिकॉज इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा है. एज़ यू कैन सी ऑन माई आइज़, अभी भी यही वाला लाइनर मैंने लगा रखा है अपनी आइज़ पे. अभी इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से ड्राई अप हो चुका है, सो आई गोना डू द स्मज टेस्ट. हल्का सा निकला है बिकॉज वो जगह गीली थी, यहाँ वाला बिल्कुल भी नहीं निकला, और ये मैंने तब किया था जब ये बहुत गीला था. अभी बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स की. सो सबसे पहला वाला प्रो होगा डैट इट इज़ जेट ब्लैक, सेकेंड इज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थर्ड इज़ येस इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, एंड इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ रेजिस्टेंस वॉट एवर. लास्ट प्रो विल भी जो इसका एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ब्रश का भी और इसके जेल लाइनर का भी. सो अब भी बात करते हैं कॉन्स की, तो सिर्फ इसके 2 या 3 कॉन्स हैं. फर्स्ट इज़ सूखने में, ड्राई अप होने में बहुत टाइम मिलता है, 2 मिनट तो नेट आपको लगते ही लगते हैं, यूँ 2 मिनट में आया वाले 2 मिनट नहीं,
प्रॉपर टाइमिंग वाले, जो हम टाइमर लगा के 2 मिनट सेट करते हैं उस टाइमर को लगा के, वैसे वाले 2 मिनट में इसको टाइम लगता है प्रॉपर ड्राई अप होने में। बाकी जो बचा एक और कौन, वो है जो इसके ब्रश का साइज़ है वो बहुत छोटा है यार, कभी कभी ना लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इधर उधर फैल जाता है। सो थोड़ा ब्रश अगर इसका थोड़ा सा लॉन्ग आता देन बहुत सही प्रोडक्ट है। ओके सो नाउ आई विल रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू और नॉट, एक्चुअली आई विल, बिकॉज आई थिंक दिस पर्टिकुलर जेल लाइनर इज़ बेटर देन मेबलिन का जेल लाइनर, और मुझे बहुत पसंद है। पहले मुझे मेबलिन का जेल लाइनर बहुत पसंद था, बट इसको यूज़ करने के बाद मेरी चॉइस बदल गई, मैं इस पर आ गई, मेरी इस पर विदा हो गई, सो आई लाइक दिस वन। और अगर आप भी मेरे जैसे लाइनर फ्रीक हो तो यू हैव टू ट्राई दिस, येस। And that's it, that's my review for this product. I hope you find it useful and helpful. If yes, then like this video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel also.